नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, समीर वानखेड़े पर आरोपों की जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको हमने बताया था कि सुबह सुबह ही टीम पहुंच चुकी है, एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम मुंबई पहुंच चुकी है और यहां पर आप सुन रहे हैं डीडीजी को ज्ञानेश्वर सिंह को मामले से जुड़े सभी सबूत देखे जाएंगे। ज्ञानेश्वर सिंह ने साफ तौर पर यह बात कही, जो कि एनसीबी के डीडीजी हैं। आज सुबह वो पहुंचे थे मुंबई और उसके बाद वहां पर तमाम, उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिनसे सवाल जवाब किया जाएगा, सभी गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच जो है चूंकि अब शुरू हो चुकी है, खुद समीर वानखेड़े से भी पूछताछ होगी। क्या कुछ कहा है डीडीजी एनसीबी ने, क्या सुनिए। आज दिल्ली से 5 सदस्यीय टीम, एक स्पेशल इंक्वायरी टीम मुंबई पहुंची है, जो एफिडेविट में लगे हुए एलिगेशंस थे उसके संबंध में ये जांच टीम गठित की गई है। उसके लिए आज हम लोग मुंबई आए हैं। इस कार्यालय से कुछ कागजात इकट्ठे किए गए हैं, रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए हैं और साक्षियों को बुलाया गया है। मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि इस इंक्वायरी के बारे में आप लोगों को जिस तरह से आप लोग पूछ रहे हैं, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देना मुश्किल है, क्योंकि ये संवेदनशील इंक्वायरी है और इससे जुड़ी हुई सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आज के लिए, अभी के लिए इतना काफी है कि हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है, आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा। जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो आप सबके साथ उसका रिजल्ट साझा किया। ये सभी जो भी मटेरियल विटनेस हैं इस इंक्वायरी के लिए, वो सबको बुलाया जाएगा। मैं किसी व्यक्ति का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा। मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी उससे सीधा जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं इस इंक्वायरी के संबंध में आपको बता रहा हूं कि इस इंक्वायरी के संबंध में उनसे जरूर बात की जाएगी और अन्य साक्ष्यों से भी बात की गई है। समीर वानखेड़े ऊपर ही है, आज क्या बात की गई है उनसे? उनका बयान लिया जाना है। धन्यवाद, धन्यवाद। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अभी डीडीजी एनसीबी के, उन्होंने साफ तौर पर अभी कुछ भी क्लियरली कहने से अभी वो बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि तमाम कई ऐसे लोग जो कि जो कोई भी इससे जुड़ा हुआ है इस केस से, उससे पूछताछ होगी। जी बिल्कुल, देखिए, और मैं सबसे पहले बताऊं कि जो ज्ञानेश्वर सिंह थे वो खुद यहां पर आए थे और थर्ड फ्लोर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये दफ्तर है श्वेता, और यहां पर तकरीबन 1 घंटे तक वो ऊपर रहे। इस दौरान उन्होंने जो जरूरी दस्तावेज थे, कागजात थे वो लिए, कुछ रिकॉर्ड थे वो लिए। समीर वानखेड़े ऊपर ही मौजूद हैं, उनसे बातचीत की और उसके बाद आज मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि जो दिल्ली से 5 सदस्यीय टीम आई है जांच के लिए, जो एफिडेविट में आरोप लगे थे खासतौर पर एनसीबी और वानखेड़े पर, उसकी जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी जो अहम चीज बताई है कि उनके बयान भी लिए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, जब हमने उनसे पूछा कि क्या समीर वानखेड़े इस जांच से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, तो उनका कहना है कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस केस से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं दिल्ली से एक अलग तरह की जांच के लिए आया हूं, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट्स नहीं कर सकता हूं। तो कुल मिलाकर ये बातें कही हैं और साथ ही कहा है कि जब हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो मीडिया को जरूर बताया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार समीर वानखेड़े पर आरोप लग रहे थे, उसके बाद बकायदा विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश दिए गए थे, टीम पहुंची और उनका कहना है कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है। जो प्रभाकर साहिल है, जिस पर जिसने आरोप लगाया था, उसको ऑलरेडी सम्मन कर दिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने, उसको पूछताछ के लिए बुलाया है और डीडीजी ने यह भी कहा कि जो कंसर्न लोग हैं सभी से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो ये दफ्तर है, यहाँ पर 1 घंटे रहे जो अधिकारी हैं, उनसे तमाम वो दस्तावेज लिए गए हैं जो जांच के लिए जरूरी है और फिलहाल जो है पूरी टीम इस मामले की अब जांच शुरू कर चुकी है, जिस तरह के आरोप लगे थे एक्सटॉर्शन को लेकर। बिल्कुल। साथ ही अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई आगे के लिए कोई आपको जानकारी कि कल किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है?
जी देखिए, जो प्रभाकर सहील है, जो मेन पंच था, जिसने बकायदा सोशल मीडिया पर एक एफिडेविट भी वायरल किया था, हालांकि उस पर भी सवाल उठे थे कि उसने कोर्ट में ये एफिडेविट क्यों नहीं दाखिल किया, 15 दिन बाद ये बयान क्यों दिया, उसको समन किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। उसके अलावा बहुत मुमकिन है कि जो पूजा डडलानी है शाहरुख खान के मैनेजर, उनसे भी आने वाले दिनों में एनसीबी की ये टीम, स्पेशल टीम जो दिल्ली से आई है, वो पूछताछ करे, क्योंकि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है उसने हाईकोर्ट में कल हलफनामा देकर ये खुलासा किया कि वो भी जांच को प्रभावित कर रही है। तो डीडीजी का कहना है, हम किसी का नाम स्पेसिफिक नहीं बता सकते, लेकिन केस से जुड़े जितने लोग हैं उनसे पूछताछ हो जाएगी। आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े का बयान भी लिया जा रहा है, जो जिन पर आरोप लगे हैं। उसके अलावा जो एनसीबी के तमाम ऑफिशियल हैं जो क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े हैं, बहुत मुमकिन है कि उनसे पूछताछ होगी। उसके अलावा गोसावी जो फिलहाल फरार है, जिसके सरेंडर की खबरें आ रही है कि वो पुणे में सरेंडर करने वाला है, उससे भी पूछताछ होगी। तो तमाम वो लोग हैं। बिल्कुल अरविंद, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें, 2:30 बजे का वक्त था, आज आर्यन खान के बेल को लेकर सुनवाई चल रही है बॉम्बे हाईकोर्ट में। कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी जारी है। अब कल क्या कुछ कहा गया था आपको हम बता दें, आर्यन कस्टमर नहीं थे। सबसे पहले जो दलील दी गई उनके वकील की तरफ से, वो ये कि आर्यन कस्टमर नहीं थे, क्रूज पार्टी में वो एज ए स्पेशल गेस्ट पहुंचे थे, ये कहना है मुकुल रोहतगी का। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इवेंट मैनेजर प्रदीप गावा ने आर्यन को बुलाया था, यानी कि बकायदा वो ये बता रहे हैं कि आर्यन एज अ गेस्ट वहां क्रूज पर गए थे। ये दलीलें, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये दलीलें हैं जो कि उनके वकील की तरफ से दी जा रही है। आर्यन के पास क्रूज की टिकट भी नहीं, यानी कि आर्यन से एनसीबी ने भी जब सवाल जवाब किया था तो तब भी आर्यन ने भी कहा था कि उनके पास तो क्रूज की टिकट भी मौजूद नहीं थी। साथ ही साथ आर्यन से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है, ना ही आर्यन ने ड्रग कंजम्पशन किया था और ना ही आर्यन से ड्रग की बरामदगी की गई। ड्रग लेने का आर्यन का कोई टेस्ट नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है जिससे यह पता चले कि आर्यन खान ने ड्रग लिया था या नहीं लिया था। और जो दलीलें दी गई उसके मुताबिक कहा गया कि सबूत ही नहीं तो फिर किन सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि बेल को लेकर लगातार एनसीबी ये बोल रही है कि अगर आर्यन खान बाहर निकलते हैं तो फिर वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। मुकुल रोहतगी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो गिरफ्तारी की गई है, दरअसल इसका कोई आधार नहीं है, ये बेसलेस है। ड्रग चैट पुराना है, तब विदेश में थे आर्यन, ये साफ तौर पर कहा है उनके वकील ने। बिना सबूत 20 दिन जेल में रखा, ये भी कहा जा रहा है। तो आपको हम बता दें कि अब जो है ड्रग पार्टी के दौरान 2 तारीख को चूंकि आर्यन पकड़े गए थे, उसके बाद से लगातार वो जेल में है। 3 अक्टूबर को कोर्ट में वो पेश हुए थे, 1 दिन की एनसीबी के रिमांड पर थे। 4 तारीख की बात करें तो दोबारा पेशी हुई थी और 3 दिन उसके बाद उन्हें रिमांड पर भेजा गया। फिर 7 अक्टूबर तीसरी बार पेशी हुई, 14 दिन की जेल आर्यन खान को हुई। इसके अलावा 8 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो गई थी। 11 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका जो है आर्यन खान की, वो खारिज हो गई थी। तो इस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है। 13-14 अक्टूबर यानी कि 20 अक्टूबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, 20 अक्टूबर जमानत याचिका फिर खारिज हो गई। और अब जो है, अभी इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट में, आपको हम बता दें, आर्यन खान के मसले को लेकर, उनके बेल को लेकर सुनवाई चल रही है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अपनी तरफ से लगातार आर्यन के वकील जो है वो दलीलें दे रहे हैं और आज का दिन कई मायनों में अहम है, तो क्या हम आज उम्मीद करें कोई ना कोई फैसला आ जाएगा आर्यन को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल कुछ देर तक जो मुहुल रतुकी हैं, जो आर्यन की तरफ से वकील हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी, आज भी रखी जा रही है। अब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील हैं वो भी अपनी दलीलें रखेंगे और वो कितने देर चलती है ये देखना दिलचस्प होगा। अगर वो आज शाम तक खत्म हो जाती है तो बहुत मुमकिन है कि जो जज हैं वो बेल को लेकर ऑर्डर देंगे कि वो रिजेक्ट होती है, बेल मिलती है इसको लेकर ऑर्डर दे देंगे। लेकिन अभी बहस चलनी है, वो कितनी लंबी चलती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आर्यन की तरफ के जो लॉयर हैं उन्होंने काफ़ी कल लंबी दलीलें दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई रिकवरी नहीं है, जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी ही गलत है। तमाम अपनी तरफ से जो बचाव पक्ष के लोग दलीलें देते हैं वो दलील दी है उन्होंने।
अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तरफ से जो दलील है वो अदालत में दी जाएगी, किस तरह की दलीलें दी जाती है देखना दिलचस्प होगा। हालांकि पहले ही एनसीबी के सोर्सेज ने ये क्लियर कर दिया था कि वो जो समीर सर कुछ कहना चाहेंगे सर, नहीं नहीं आएंगे सर, आप पर आरोप लग रहे हैं सर लगातार पर्सनल अटैक हो रहा है, सब झूठे हैं, पर्सनल अटैक लग रहा है सर आप पर, रिप्लाई करेंगे उसका सर। समीर वानखेड़े सीधे बात करने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको बताऊं बड़ी खबर है श्वेता, जो आज तक से समीर वानखेड़े ने कहा है उनका कहना है कि सब कुछ झूठ है। ये आपने सुना होगा लाइव, जो समीर वानखेड़े हम निकल चुके हैं ये देख पा रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि अदालत की तरफ जा रहे होंगे समीर वानखेड़े, लेकिन हमने उनसे तमाम जो आरोप लग रहे हैं और अब से कुछ देर पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो दिल्ली से आई है वो यहां से निकली थी, ज्ञानेश्वर सिंह उनको आपने सुना, लेकिन जो बड़ी खबर है कि खुद हमने काउंटर क्वेश्चन करने की कोशिश की समीर वानखेड़े से और उनका कहना है कि सब झूठ है। तो ये पहला रिएक्शन आया है जब से दिल्ली से जो टीम आई हुई है जांच के लिए और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर निकली है, जांच के लिए जो टीम आई थी ज्ञानेश्वर सिंह जिन्होंने समीर वानखेड़े से अभी बातचीत की थी और उसके बाद फर्स्ट रिएक्शन आज तक पर आपने सुना जिसमें समीर वानखेड़े का कहना है कि सब कुछ झूठ है। तो ये रिएक्शन आप देख पा रही है श्वेता लगातार, और समीर वानखेड़े का यही रिएक्शन लगातार बना हुआ है, जो भी उन पर अटैक हो रहा है जो भी आरोप लग रहे हैं उसका जवाब वो बकायदा देते हैं, उनका परिवार देता है और उनका साफ साफ कहना है कि सब कुछ झूठ है। बिल्कुल, तो एक तरफ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इस अलग मामले में चल रहा है अरविंद, लेकिन साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त अब बॉम्बे हाई कोर्ट में भी कोर्ट रूम में क्या चल रहा है, क्या आज भी इस वक्त अभी आर्यन के जो वकील हैं मुकुल रोहतगी, क्या उनकी तरफ से अभी भी दलीलें दी जा रही है या फिर एनसीबी की जो दलीलें हैं वो शुरू हो गई है? जी देखिए, अभी फिलहाल की बात अगर की जाए तो अभी फिलहाल जो कोई भी दलील अभी शुरू नहीं हुई है, इंतजार किया जा रहा है कि जो सीरियल नंबर है क्योंकि कई केस मुंबई हाई कोर्ट में लगे हुए हैं तो उसके बाद ही जब दलील होगी तो बहुत मुमकिन है, जो हमें जानकारी है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो वकील हैं वो दलीलें देंगे। ये दलील कितनी लंबी चलती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि कल काफ़ी आर्यन के जो लॉयर हैं उन्होंने काफ़ी अपनी तरफ से दलीलें दी हैं, सेक्शन दिया है, व्हाट्सएप चैट है उसको लेकर बाकायदा अटैक किया है, कहा है कि जो चैट्स है वो क्रूज ड्रग्स पार्टी का नहीं है, वो काफ़ी पुराना है, तो इस तरह की तमाम दलीलें दी गई हैं जो अदालत में दलीलें दी जाती हैं। लेकिन जिस तरह से समीर वानखेड़े निकले हैं बहुत मुमकिन है कि जो हमें जानकारी मिली है कि मुंबई हाई कोर्ट ही जाएंगे और वहाँ पर फिर नारकोटिक्स कंट्रोल के जो ब्यूरो के जो वकील हैं वो अपनी तरफ से दलीलें देंगे और बिल्कुल जमानत का विरोध करेंगे। एनसीबी पहले भी क्लियर कर चुकी है और जो वकील हैं वो बताएंगे कि किस आधार पर जो आरोपी हैं उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो अब से कुछ देर बाद जो अदालत में फिर से कल भी हियरिंग सुनवाई हुई थी, आज फिर से कुछ देर बाद ये सुनवाई हो सकती है। बिल्कुल अरविंद, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीबीआई से लेकर ईडी पर कई सालों से सवाल उठते रहे हैं और अब ऐसे में मुंबई में एनसीबी भी सवालों के घेरे में आ गई है। उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली, मैं ही खुद दलित हूँ तो मैं लोगों का क्या, लोग वो तो मेरा हक है, ये नवाब मलिक कौन है उसको ही भाई जाके पूछो ना तुम, ये तो मेरा पर्सनल पैदाइश, मेरी पहले से गांव से, मैं जब मेरी दादा परदादा उसके परदादा सभी हम लोग हिंदू है, एक मागा जात के लोग है, तो इसमें बेटा कहाँ से मुस्लिम हो गया? ये जेल जाएंगे, मैंने कोई पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके ये बात नहीं कही थी। जो समीर दाऊद वानखेड़े जी का फर्जी बाड़ा जीवन का है, उन्होंने, मैंने ये भी कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि किसका धर्म क्या है, कौन किस धर्म का है। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे IRS का पद हासिल किया और देश में एक होनहार दलित शायद किसी गांव में गरीबी में पढ़कर आगे जाना चाहता होगा या किसी शहर में झोपड़ी में रहकर उसने तैयारी की होगी, ऐसे एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। अगर ये नवाब मलिक साहब ऐसे पीछे लगे तो हमको डिफेमेशन केस तो करना पड़ेगा उनके ऊपर, एस्ट्रोसिटी लगाऊंगा कि मेरे पर्सनल, मेरा बेटा बेटी मुझे मानसिक तकलीफ दे रहा है, पर्सनल घर में घुस रहा है,
ये बिल्कुल कानून के विरुद्ध कर रहा है काम ये आदमी। इतने बड़े मंत्री महोदय होकर ऐसा काम करता है। खाली एक ही रीजन कि मेरे जवाय को अरेस्ट किया, 10 महीना अंदर रहा। अगर ड्रग वाले को अगर तो बोलो लिखो, कोई कादा लेके आओ कि ड्रग ही गिरने दो, ड्रग पी के मरने दो, हमको कोई लेना देना है। बेटे को बोलूंगा मत कर काम ये कुछ। हम कोई धर्म की चर्चा नहीं करते रहे। हम जो फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े का है, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट ली गई और उसके आधार पे नौकरी ली गई, ये मुद्दों को हम उठाते रहे। जब मैंने पहला बर्थ सर्टिफिकेट डाला तो सब लोग टूट पड़े कि ये फर्जी है। फर्जी है तो असली कहाँ है उनके परिवार के लोगों को बताना पड़ेगा। और सीधे चलते हैं मुंबई। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मुस्तफा, जानना चाहेंगे आर्यन मामले को लेकर सुनवाई क्या बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू हो चुकी है? जी, 3 बजे का वो वक्त होगा जब हाईकोर्ट जो है अपनी सुनवाई फिर से लंच के बाद शुरू करेगा। और हमारी संवाददाता विद्या जो कोर्ट के अंदर से जानकारी दे रही थी कि कुछ मैटर्स अभी भी पेंडिंग है, तो कुछ समय आधे से 1 घंटे का लग सकता है जिसके बाद आर्यन खान का जो मैटर है वो सुना जाएगा। आपको बता दें आर्यन खान के साथ 2 और बेल एप्लीकेशन जो है, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, उनको भी लिस्ट की गई है। हदगी ने अपने आर्ग्यूमेंट कंप्लीट किए, उसके बाद सीनियर काउंसिल अमित देसाई जो अरबाज मर्चेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाईकोर्ट में, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे। उसके बाद मुनमुन की तरफ से उसके डिफेंस लायर आर्गुमेंट रखेंगे, उसके बाद फिर एनसीबी के आर्गुमेंट्स, उसके बाद ऑर्डर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लंबी प्रक्रिया है आप ये कह सकते हैं। और 5 से 6 बजे तक अगर कोर्ट बैठता है तो अभी से 3 से 2.5 घंटे का समय इस वक्त मिलेगा डिफेंस लॉयर्स को और एनसीबी लॉयर्स को। अब देखना ही होगा कि आज कितने वकीलों की जो दलीलें हैं वो खत्म हो सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ दिवाली वैकेशन जो है वो अप्रोच कर रहा है 30 तारीख से, और अगर 30 तारीख से पहले ऑर्डर नहीं आता आर्यन खान केस में तो उनको जो दिवाली है वो अथरूड जेल में ही मनानी पड़ेगी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें मुस्तफा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।